तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू सुपरमैन को ओवरपावर कर देता है और काफ़ी हद तक हरा देता है, पर उसके बाद हमें पता चलता है कि सुपरमैन भले ही लड़ाई को हार रहा हो पर उसने अभी तक हार नहीं मानी है। सुपरमैन और गोकू की लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और आज हम देखेंगे उसका पार्ट टू। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने, उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके उन्हें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारे की सारी मांगा सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में से धमाकों की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि गोकू और सुपरमैन आपस में टकरा रहे हैं। उनकी ताकत और स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन को गोकू का एक बहुत ही धमाकेदार पंच पड़ता है। ऐसा लगता है कि सुपरमैन ज़मीन से जाके टकराएगा, पर वो खुद को रोक लेता है और सुपरमैन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुपरमैन ने गोकू जैसे ताकतवर शख्स का कभी भी सामना नहीं किया। वो बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ जाता है और अचानक से उसे पकड़ लेता है। सुपरमैन ने गोकू को इतने टाइट तरीके से पकड़ा होता है कि गोकू अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता और सुपरमैन गोकू को लेकर धरती के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। सुपरमैन किसी तरीके का बहुत ही पावरफुल अटैक गोकू पे करना चाहता है और गोकू लगातार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लगातार सुपरमैन पे पंचेस बरसाने लग जाता है और आखिरकार खुद को छुड़ा लेता है। सुपरमैन गोकू की गर्दन पे बहुत ही ज़बरदस्त कोनी मारता है, पर उसी बीच गोकू सुपरमैन के पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मार देता है और इससे सुपरमैन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। गोकू के इस अटैक की वजह से सुपरमैन के चेहरे पे दर्द साफ दिख रहा होता है और इससे पहले कि सुपरमैन खुद को संभाल पाए, गोकू उसके चेहरे पे एक और पंच जड़ देता है। सुपरमैन इसके बाद खुद को संभाल नहीं पाता और वह ज़मीन से जाके बहुत ज़ोर से टकरा जाता है। पर गोकू को हराने के चक्कर में सुपरमैन से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वो गलती से गोकू को एक शहर के बीच में ले आया। वो बोलता है कि ये क्या हुआ, इसे इस शहर के ऊपर आकर ही क्यों रुकना था। सुपरमैन अपने मन में बोलता है कि मुझे इसे इस शहर से बाहर लेकर जाना होगा, इससे पहले कि किसी को चोट पहुँचे। उसी वक्त हम देखते हैं कि गोकू ज़मीन की तरफ उतरता हुआ आ रहा होता है। गोकू सुपरमैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आँख है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन की एक आँख बंद है और वो इतनी देर से सिर्फ एक ही आँख से लड़ रहा था। मैं मांगा में इस डिटेल को देखना भूल गया था, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस डिटेल को देखा था या नहीं। दरअसल ये राउंड 2 के शुरू होने से बिल्कुल ठीक पहले हुआ था, यानी कि पिछली वीडियो के एंड में। सुपरमैन को किसी से लड़ता हुआ देख के लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि सुपरमैन किसी से लड़ रहा है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए वरना हम लोग रास्ते में आएंगे। सुपरमैन बोलता है कि हम अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं पर उससे पहले हमें कहीं और जाना होगा। ये बात सुन के गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद गोकू हंसते हुए कामेहामेहा बनाने लग जाता है। वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें इन लोगों की फ़िक्र है, पर चिंता मत करो, मैं इन लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता और तुम्हारे साथ साथ मैं इस पूरे के पूरे शहर को भी तबाह कर दूंगा। सुपरमैन इस पोज को जानता है। वो बोलते हैं कि क्या ये वही है। गोकू का कामेहामेहा तैयार हो चुका होता है और वो एकदम से अपने अटैक को शूट करता है। सुपरमैन गोकू को रोकने के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता। वो एकदम से चिल्लाता है, सन गोकू, तुम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, प्लीज़ रुक जाओ। गोकू एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और उसका अटैक बस सुपरमैन तक पहुंच ही गया था। सुपरमैन अपने मन में सोचता है, लगता है यही अंत है। पर इससे पहले कि गोकू का अटैक सुपरमैन तक पहुंचे, गोकू के अटैक की डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाती है। सुपरमैन देख के हैरान होता है कि वह भी जिंदा है। वो बोलता है कि ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि गोकू का कामयाबी धरती के बाहर चला गया। सुपरमैन बोलता है कि क्या उसने अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज कर ली थी। एक सेकंड के लिए लग रहा था कि गोकू ठीक हो गया है, पर उसे सुपरमैन पे गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने ये क्या किया, और वो एकदम से आके सुपरमैन को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू को सुपरमैन पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो लगातार सुपरमैन को पीटने लग जाता है और अलग अलग डायरेक्शन से सुपरमैन पे लाते और गुस्से बरसा रहा होता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया था, तुम मेरे दिमाग के साथ अब दोबारा नहीं खेल पाओगे। सुपरमैन एकदम से एक जगह पर जाकर रुकता है और शांति से खड़ा हो जाता है। गोकू उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन उसके पंच को रोक लेता है। गोकू समझ नहीं पा रहा होता कि एकदम से ये क्या हुआ, सुपरमैन की ताकतें वापस कैसे लौटने लगी। और तभी सुपरमैन गोकू के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। गोकू जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है और सुपरमैन स्माइल करता है। वो बोलता है कि लगता है इसे अभी तक समझ नहीं आया कि मेरी ताकत का सीक्रेट क्या है। गोकू गुस्से में सुपरमैन की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है।
और इसके बाद सुपरमैन गोकू के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। गोकू बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, और वो एकदम से सुपरमैन पे पंच मारने की कोशिश करता है। सुपरमैन अपने आप को बचा के गोकू के चेहरे पे एक और ज़बरदस्त पंच मारता है, और इसके बाद सुपरमैन गोकू के चेहरे पे दो ज़बरदस्त पंच और मारता है। सुपरमैन पूरी तरीके से गोकू पे हावी होने की कोशिश करता है और लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि मेरे पास बस यही चांस है, मुझे लगातार इसे मारते रहना होगा। जितनी देर में उसे मार सकता हूँ, मैं इसे रिकवर करने का चांस बिल्कुल भी नहीं दे सकता। गोकू इस वक्त खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे लगातार पंचेस लग रहे हैं। पर तभी उसे एक मौका मिलता है। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच सुपरमैन को मारता है, और ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि सुपरमैन काफ़ी दूर जाके गिरता है। सुपरमैन बोलता है कि लगता है मेरा प्लान बर्बाद हो गया। गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कमज़ोर क्यों नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ इसे लगातार चार्ज कर रही है। गोकू को नहीं पता कि सुपरमैन को उसकी ताकतें सूरज से मिलती हैं, और जब गोकू ने आसमान में सुपरमैन को मारा तो सुपरमैन सूरज से एनर्जी लेने लग गया, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी ताकतें लौट आई, जिसकी वजह से वो फिर से गोकू का सामना कर पाया। इसके बाद सुपरमैन उड़ते हुए गोकू के पास आता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ आ गया होगा कि मेरी ताकतें धीरे धीरे करके लौट रही हैं। गोकू बोलता है क्या कहा। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन की जो आंख बंद थी वो भी खुल चुकी है, और सुपरमैन बोलता है कि एक बात और एकदम से सुपरमैन अपनी आई लेजर से गोकू पे अटैक कर देता है। सुपरमैन ने पहले भी गोकू पे आई लेजर का इस्तेमाल किया है, पर उस वक्त गोकू ज़्यादा घायल नहीं हुआ था, और इसी वजह से सुपरमैन ने इस बार अपने आई लेजर के अटैक को ज़्यादा ताकतवर बनाया था। इससे गोकू थोड़ा सा घायल हो जाता है, पर फिर भी वो कुछ ही देर में खुद को संभाल लेता है। और तभी एकदम से सुपरमैन गोकू के पास पहुंच जाता है और उसकी आंखों पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से गोकू दर्द से कराहने लग जाता है और उसे देखने में दिक्कत आने लग जाती है, और उसी वजह से गोकू की मूवमेंट्स भी स्लो हो जाती है। वो सुपरमैन को पंच मारने की कोशिश करता है, और सुपरमैन बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है। और तभी सुपरमैन को एक और ओपनिंग दिखती है। वो गोकू के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि गोकू की जान निकल जाती है और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा होता है। सुपरमैन इसके बाद एक और पंच बनाता है और गोकू के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारता है, और इसके बाद सुपरमैन गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। इससे गोकू आसमान में उड़ जाता है। जैसे ही गोकू आसमान में होता है, वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, आखिर उसकी ताकतें कैसे बढ़ रही हैं। उसकी आँख भी हील हो चुकी है। इससे पहले कि गोकू सुपरमैन को हराने के लिए कोई प्लान सोचे, एकदम से सुपरमैन उसके पास पहुँच जाता है और उसकी कमर पर बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। गोकू ज़मीन पर गिरता हुआ जा रहा होता है। तभी सुपरमैन उसके पास एक बार फिर से पहुँच जाता है और उसे एक पंच मारता है। गोकू बिल्डिंगों से टकराता हुआ ज़मीन की तरफ जाता है। इसके बाद सुपरमैन एक बार फिर से उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही सुपरमैन अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है, गोकू उसे देख लेता है। वो बोलता है कि इस बार तुम फिर से ऐसा नहीं कर पाओगी। सुपरमैन समझ जाता है कि गोकू उसके नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार है, पर तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। गोकू अपने दोनों हाथों को मिला के सुपरमैन को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, और सुपरमैन ज़मीन से जाके टकराता है। गोकू पिछले अटैक्स के बाद हाँफ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि शायद इस अटैक के बाद सुपरमैन फिर से नहीं उठ पाएगा, पर तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये फिर से कैसे खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आखिर ये मेरे इतने सारे अटैक्स कैसे झेल पा रहा है, अब बस बहुत हो गया। ये बोल के गोकू एकदम से चिल्लाने लग जाता है। सुपरमैन बोलता है कि अभी क्या करेगा। गोकू एकदम से गुस्से में आके चार्ज करने लग जाता है। वो अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, और सुपरमैन उसे दूर से देखने लग जाता है, क्योंकि फिलहाल सुपरमैन नहीं जानता कि गोकू का नेक्स्ट प्लान क्या है। और इसके बाद गोकू अपने प्लान को रिवील करता है। वो बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी सारी की सारी ताकत अपने नेक्स्ट कामयाबी में लगा दूंगा। मैं उसके साथ साथ इस पूरे के पूरे प्लैनेट को भी तबाह कर दूंगा। इसके बाद गोकू अपने कामयाबी को चार्ज करने लग जाता है, और आखिरकार सुपरमैन भी समझ जाता है कि गोकू का प्लान क्या है, क्योंकि वो इस पोज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। आखिरकार कुछ ही देर में गोकू अपने नेक्स्ट अटैक को शूट करने के लिए तैयार था, और सुपरमैन जानता है कि गोकू का ये अटैक धरती के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो बोलता है कि ये सही नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है, पर इतनी ताकत से भी वो धरती को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, मुझे उसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। गोकू आखिरकार अपने अटैक को शूट करने के लिए तैयार होता है, और सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मैं वक्त पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा, और अब इस अटैक को रोकने का बस एक ही तरीका है। गोकू अपने अटैक को शूट कर चुका था, और सुपरमैन उसके अटैक की तरफ बढ़ने लग जाता है, और सुपरमैन कामयाबी के रास्ते में जाकर रुक जाता है ताकि इसका इम्पैक्ट धरती तक ना पहुँच सके। हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस अटैक के धमाके की वजह से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट निकलता है, और आखिरकार गोकू का ये अटैक खत्म हो चुका था। गोकू सुपरमैन को देखने की कोशिश करता है। गोकू ने इस अटैक में अपनी काफ़ी सारी ताकत लगा दी थी, जिसकी वजह से वो हाँफने लग जाता है, और सभी लोग सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि सुपरमैन कहाँ है, पर गोकू तभी हंसता है। गोकू बोलता है कि क्या उस बेवकूफ़ ने सच में मेरे कामयाबी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करी, काफ़ी अच्छा आइडिया था। इसके बाद गोकू हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि उस आइडिया ने उसके लिए काम नहीं किया। तभी धमाके के बीच में से गोकू को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि वैसे मेरे आइडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। गोकू बोलता है ये कौन था। वो आवाज़ बोलती है कि अब ऐसा मत बोलना कि तुम इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो।
और गोकू के सामने जो होता है वो उसे देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। सुपरमैन बिल्कुल खूनम खून उसके सामने खड़ा होता है। सुपरमैन स्माइल करते हुए बोलता है कि चलो अपनी फाइट फिर से शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारा सारा स्टैमिना खत्म हो चुका होगा, कैसा रहेगा कि तुम अगर हार मान लो तो। गोकू बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सुपरमैन बोलता है कि हार मान लो, और उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। गोकू बोलता है लगता है ये मजाक कर रहा है, इसकी हालत देखो, ये लड़ भी कैसे सकता है। सुपरमैन बोलता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम मुझ पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन एकदम से बेहोश हो जाता है, वो इसके बाद ज़मीन पर गिरने लग जाता है। ये सिर्फ सुपरमैन का ब्लफ था, वो सिर्फ गोकू को हराने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सुपरमैन गिर रहा होता है गोकू भी काफ़ी हैरान होता है, और आखिरकार सुपरमैन ज़मीन से जाके टकराता है। सभी लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या सुपरमैन मारा गया, क्या वो मर चुका है। सुपरमैन पूरी तरीके से बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ा होता है, और तभी गोकू ज़मीन पर उतर के उसके पास जाता है। सुपरमैन को हराने के बाद गोकू खुश नहीं लग रहा होता, वो बोलता है कि मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने आखिरकार सुपरमैन को हरा दिया है और लॉर्ड डार्कसाइड ने मुझसे कहा था। तभी हम एक पैनल देखते हैं जिसमें डार्कसाइड गोकू से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम जाकर धरती को जीत सकते हो, पर वहाँ पर कई लोग हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, और उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है सुपरमैन, पर अगर तुम उसे मार देते हो तो धरती तुम्हारी है। गोकू सुपरमैन के पास जाकर बोलता है कि धरती अब मेरी हो चुकी है, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। इसके बाद गोकू सुपरमैन के ऊपर अपना हाथ करता है और बोलता है गुड बाय सुपरमैन। गोकू के चेहरे से क्लियरली पता चल रहा होता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई चीज़ है जो उसे गलत लग रही है, पर इस वक्त उसे याद नहीं है कि वो एक बुरा शख्स नहीं है। इससे पहले कि वो सुपरमैन पर अटैक कर पाए तभी उसे कुछ महसूस होता है। सुपरमैन को मारने से पहले आखिर गोकू को क्या महसूस हुआ, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फाइनली गोकू ने सुपरमैन को हरा दिया है, वो भी अपनी ताकत से। तो जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए #GokuIsPowerfulThanSuperman। मैं देखना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को कितना मज़ा आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं, और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा माय हीरो एकेडमी और दूसरे एनिमेस के भी फैन हैं तो आप जाकर मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डालता हूँ। तो जाइए और वहाँ की वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।